दोस्तों इस वीडियो से आप बिना कुछ इन्वेस्ट किए अपने घर से चालू करके वुमेन्स वेयर का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से बाकी सारी ब्रांड्स ने भी अपना वुमेन वेयर का ऑनलाइन बिजनेस चालू किया। और सिर्फ यही नहीं, मैं आप सभी को इस वीडियो में एक जबरदस्त होलसेलर भी बताने वाला हूँ जिसके साथ जुड़ के आप भी बिना कुछ इन्वेस्ट किए सोशल मीडिया से ही अपना खुद का वुमेन्स वेयर का ऑनलाइन बिजनेस चालू कर सकते हैं। आर यू एक्साइटेड? इफ यस, एक बार लाइक कर दो इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। इस वीडियो में एक ऐसे मार्केट के बारे में बात करूंगा जिसके अंदर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 6 महीने के अंदर आप इजीली 50,000 से 1,00,000 रुपए का बिजनेस इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से। 2014 में निधि यादव जी ने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने 2 BHK के एक छोटे से घर से अपना एक ऑनलाइन वुमेन्स वेयर का बिजनेस चालू किया था जिसका नाम रखा अक्स AKS। उस समय वो एक हाउसवाइफ भी थी, अपना घर भी संभाल रही थी और 7 महीने का उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। उन्होंने अपने इस बिजनेस को 3.5 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से चालू किया, लेकिन माइंडसेट एकदम क्लियर था कि हम बाहर जाके नहीं बेच सकते, जो काम करना है घर से ही करना है, घर से ही स्टार्ट करना है, घर से ही अर्निंग करना है। धीरे धीरे करके वुमेन्स की एथनिक वेयर की ब्रांड इन्होंने बिल्ड की और सिर्फ 4 सालों के अंदर उन्होंने ऑनलाइन सेल करके ही लगभग 50 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। 2021 यानी कि लगभग 7 साल बाद उनका रेवेन्यू 137 करोड़ तक के पहुंच गया। याद रखिए, व्हाट्सएप से चालू किया था इन्होंने और 2024 में इनका रेवेन्यू लगभग 500 करोड़ के करीब टच हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, माइंडसेट एकदम क्लियर था, सबसे पहले बेचना व्हाट्सएप से चालू किया, फिर मिंत्रा, जबोंग, अमेजोन जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट किए, वहाँ से सेलिंग चालू की और अब उनकी खुद की एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से भी वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करते हैं। जो शुरू में 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए ना, वो इन्वेस्ट किए अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफी कराने में और अपने आप की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करने में, इसीलिए ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको इनकी कोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसको अक्सर लोग नहीं पहचान पाते। इन्होंने ना धीरे धीरे करके अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, अपने टारगेट कस्टमर्स है, उसको वाइड करते गए। जैसे कि शुरू में ये खाली कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए ही प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो कुर्तीज थी या सूट्स थे वो ऐसी लड़कियों के लिए किए जो अभी कॉलेज जा रहे हैं, जो जिनकी एज लगभग 19 साल से लेकर के 22-23 साल की है। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने कस्टमर सेगमेंट को, अपने टारगेट ऑडियंस को बढ़ाते गए। जैसे ही उन्होंने एक टारगेट ऑडियंस को अच्छे से केटर किया, इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया हाउसवाइफ्स के लिए जिनकी नई नई शादी हुई है, फिर इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया मॉम्स के लिए, जो कि बहुत स्मार्ट मूव थी। इन्होंने क्या किया, खाली प्रोडक्ट मॉम के लिए नहीं बनाया, उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ ट्यूनिंग वाले कपड़े बनाए ताकि जो भी एक मॉम अपने लिए आउटफिट खरीद रही है वो अपने बच्चों के लिए भी सिमिलर टाइप ऑफ आउटफिट खरीद सकती है ताकि एक साथ ट्यूनिंग कर सके। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं ट्यूनिंग वाला, उन्होंने ट्रेंड को देखा और इस चीज को भी अपने बिजनेस पे इनकॉर्पोरेट किया। अब इससे इनकी टारगेट ऑडियंस खाली मॉम्स तक की नहीं बढ़ी, इनफैक्ट जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी इनके प्रोडक्ट्स बने। तो किस तरीके से इन्होंने 19 साल से चालू करके 35 साल तक की महिलाओं के टारगेट ऑडियंस को कवर किया धीरे धीरे करके। आज इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, मिंत्रा में इनकी बहुत अच्छी रेटिंग है और अपनी वेबसाइट को भी फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे ना, आखिर ये 7 साल के अंदर पॉसिबल कैसे हो पाया? इसका रीजन है वुमेन्स वेयर का ग्रोइंग मार्केट इंडिया में। इंडियन वुमेन्स वेयर का मार्केट अभी $45 बिलियन का है और ये पूरा मार्केट एथनिक वेयर से डोमिनेटेड है। सिर्फ यही नहीं, ये जो मार्केट है ये 2025 तक के $1.68 ट्रिलियन का मार्केट हो जाएगा। तो आप अगर इस प्रोडक्ट के बिजनेस को चालू करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2-3 साल के अंदर तो 100% आप एक बहुत स्टेबल ब्रांड अपनी खुद की बना लेंगे। आपको अपना मार्केट फिट मिल जाएगा कि कौन सा आपका मार्केट है और अगर आप सही स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन ही अपने घर से बैठ के बहुत अच्छा बिजनेस चालू कर सकते हो। और इस पूरे प्रोसेस में मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन चालू करना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट, किस तरीके से ग्रो करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही नहीं बताऊंगा खाली कि कैसे चालू करना है, आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा होलसेलर है जिसके साथ जुड़ के आप चालू कर सकते हो। तो इस वीडियो से ना ही सिर्फ आप सीखोगे बल्कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली अपने बिजनेस को चालू भी कर पाओगे। अब एक चीज़ तो सेटल्ड है कि वुमेन्स वेयर के प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं, इसकी डिमांड बहुत हाई है, बेचना आसान है, प्रोडक्ट की डिलीवरी ईजी है, प्रोडक्ट्स में मार्जिन बहुत अच्छी है और डिजाइन्स और होलसेलर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है ब्रांड बिल्डिंग में, चालू करने में, कि आप चालू किस तरीके से करें। अगर एक बार आपका इनिशियल पीरियड निकल जाता है, एक बार आप चालू कर लेते हैं, एक बार अगर आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए का आ जाता है तो आपको समझ आने लग जाता है कि हाँ, हमको चालू किस तरीके से करना है, कौन से एंगल से, कौन से कस्टमर बेस के साथ चालू करना है।
और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस बिजनेस को एक्चुअल में चालू किस तरीके से किया जाता है। देखिए, अक्स फैशन की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने एक कस्टमर सेगमेंट को सबसे पहले पकड़ा, धीरे से उन्होंने डाइवर्सिफाई किया। सेम वुमेन्स एथनिक वियर में आज बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स है, वेस्टर्न वियर है, एथनिक वियर है, एथनिक वियर के भी अंदर बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग टाइप है, अलग अलग डिजाइन पैटर्न है, मटीरियल के हिसाब से अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है, डिजाइन के हिसाब से अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है, एज के हिसाब से अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है, तो बहुत सारी इसमें निश बन जाती है। तो आपको चालू करने के लिए एक ऐसा सेगमेंट चाहिए जिसके ऊपर ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर रहे हो। इस चीज को करने के लिए आप अपना समय लीजिए। निधि यादव जी ने लगभग 6 महीने मार्केट रिसर्च किया था अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। अब एक बार आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज है कॉन्टेंट। कॉन्टेंट मतलब कि किस तरीके से प्रोडक्ट ऑनलाइन लोगों को दिख रहा है। जितना अच्छा प्रोडक्ट दिखेगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बिकेगा। इन्वेस्ट करो अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफी पे और कंटेंट पे। अगर फोटोग्राफी, रील्स, वीडियोस ये अच्छी हुई ना तो लोग आजकल यही चीज़ देख के खरीदते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका होता है अच्छा कंटेंट बनाने में। अगर आप अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो, अगर आप रीसेलिंग भी कर रहे हो, किसी से लेके भी बेच रहे हो, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी खुद की फोटोग्राफी कराओ। भले कम प्रोडक्ट्स ही कराओ, भले कम प्रोडक्ट्स रखो, लेकिन जो प्रोडक्ट रखो आपकी खुद की फोटोग्राफ वाला रखो, बिकॉज उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब इसके बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है चालू करने का, अपने खुद की कम्युनिटी बनाओ, जहाँ पे आप खाली कपड़ों के बारे में बात ना करो, आप जो भी नए फैशन आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए मटेरियल्स आ रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी करो, उनको अवेयर भी करो कि क्या चीज़ मार्केट में नई चल रही है, क्या ट्रेंड मार्केट में नया आ रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बहुत अच्छा काम करते हैं। कई लोग हैं वो बहुत सिस्टमेटिकली अपने व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा है वो खाली प्रोडक्ट और अपने डिस्क्रिप्शन ही डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो क्या होता है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता। हर आपके ग्रुप मेंबर को ना खाली प्रोडक्ट नहीं देखना है, उनको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, उनको वैल्यू भी चाहिए, और ये सारी चीज़ अगर आप देंगे तो वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपके ग्रुप से कनेक्टेड रहेंगे, आपकी कम्युनिटी से कनेक्टेड रहेंगे, आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। बीच बीच में प्रोडक्ट भी डालिए, बीच बीच में इन्फॉर्मेशन भी डालिए, और इस तरीके से अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट कीजिए। अब व्हाट्सएप पे ये ऑप्शन भी आ गया है कि व्हाट्सएप पे आप कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो, आप मल्टीपल बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना सकते हो, और जो भी आप व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहे हो उसको प्रॉपर प्लानिंग करके करो कि कौन से समय में पोस्ट करना है, क्या पोस्ट डालना है, और कितने इन्फॉर्मेशन वाले कंटेंट डालने हैं, और कितने प्रोडक्ट प्रमोशन वाले कंटेंट डालने हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप या कम्युनिटी में खाली प्रोडक्ट पोस्ट नहीं करना है, कोई रिस्पांस नहीं आएगा। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, क्योंकि वेबसाइट से भी लोगों को ट्रस्ट होता है, वेबसाइट से डायरेक्ट ऑटोमेटेड ऑर्डर्स भी आते हैं, और वेबसाइट बनाने के बाद आपको मार्केटिंग भी करना है। खाली वेबसाइट बनाएंगे और मार्केटिंग नहीं करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। वेबसाइट बनाने के बाद आपको मार्केटिंग भी करना है। हो सकता है कि आपकी सेल्स व्हाट्सएप से हो, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर जाएगा आपकी वेबसाइट पे और व्हाट्सएप पे आएगा, व्हाट्सएप पे बाय करेगा, लेकिन वेबसाइट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है, एक रेपुटेशन क्रिएट करती है, और इवेंचुअली कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि हाँ आप एक ब्रांड हो। लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूले गए, प्रोडक्ट कहाँ से आउटसोर्स करें। और अब मैं आप सभी को एक ऐसा होलसेलर बताऊंगा जहां से आप इजिली प्रोडक्ट आउटसोर्स कर सकते हैं। वैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े होलसेलर्स हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। हमने एक होलसेलर के बारे में रिसर्च किया, उनके पूरे बिजनेस को देखा, और देखा कि वो रीसेलर्स को हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में, उनके साथ जुड़ के हज़ारों लोग आज काम कर रहे हैं, और आप भी इनके साथ कनेक्ट होकर अपने खुद का वुमेन्स वेयर का ऑनलाइन बिजनेस चालू कर सकते हो। इस होलसेल ब्रांड का नाम है जयपुर रॉयल कुर्ती। इसकी फाउंडर का नाम है तबसुम रॉय, जिसको जयपुर में लोग सोना के भी नाम से जानते हैं। बाय द वे, ये जयपुर की ब्रांड है, और जयपुर ना कुर्तीज के लिए, वुमेन्स वेयर के लिए बहुत फेमस है। इन्होंने 2015 में अपने बिजनेस को चालू किया था, और ऑल ओवर इंडिया से आज लगभग 4000 से ज्यादा रीसेलर्स इनके साथ जुड़ के ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। हर दिन इनके बहुत सारे रीसेलर्स के ऑर्डर्स निकलते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इनकी स्पेशलिटी क्या है। इनकी स्पेशलिटी है रेयन फैब्रिक सूट। ये एक अलग टाइप का मटेरियल है जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी से चालू करना है तो आप इसी से ही चालू कर सकते हो। इनके पास आपको जयपुर की एक्सक्लूसिव डिजाइन, एक्सक्लूसिव प्रिंट्स भी मिल सकती है, जिसको बागरू प्रिंट सूट्स बोलते हैं। ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ जयपुर में मिल सकती है, और ऑल ओवर वर्ल्ड से इसकी डिमांड होती है। इनके पास एक और यूनिक प्रोडक्ट है, वो है कोटा डोरिया जयपुरी सूट। ये भी एक अलग टाइप का मटेरियल है और इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये था दोस्तों इनका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि इनका कंटेंट कैसा है। तो देखिए, कुछ इस तरीके की इनकी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी है जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से बिकती है। ये प्रोडक्ट की फोटोग्राफी देख के आप इजीली कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हो। ये प्रोडक्ट की फोटोज लेके आप अपने खुद का PDF कैटलॉग भी बना सकते हो। अब मैं आप सभी को ना प्रोडक्ट को क्लोज फोकस करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट की आप क्वालिटी देख सकते हैं, क्लोज फोकस करके मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये इनका प्रॉपर वेयर हाउस है, जाए अपने सारे प्रोडक्ट्स को रखते हैं। आप इनका स्टॉक देख सकते हैं खुद का। जैसे ही किसी रीसेलर का ऑर्डर आता है
तो वो कुछ इस तरीके से पैक करते हैं प्रोडक्ट को, देख सकते हैं कहीं पे भी इनकी ब्रांडिंग नहीं होती, तो आगे कस्टमर को कभी भी ये पता नहीं चलता कि इनकी तरफ से प्रोडक्ट आए, कस्टमर को ये लगता है कि रीसेलर ने प्रोडक्ट अपने पास से डायरेक्टली भेजा है। अब जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है उतनी इंपॉर्टेंट ना सर्विसेज भी होती है, आपको इनकी सर्विसेज बताता हूँ। सबसे पहली चीज की इनका ना इन हाउस फोटो स्टूडियो है, खुद ही फोटोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफी करते हैं। इसके बाद इनकी 2 दिन के अंदर शिपिंग हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो सिर्फ 2 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। इनके पास आपको प्रीपेड और इनके पास कैश ऑन डिलीवरी दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इनके पास आपको अपनी ब्रांडिंग सर्विस मिल जाएगी, इनके पास आपको रिटर्न और एक्सचेंज की सर्विस मिल जाएगी, बशर्ते आपके पास पार्सल ओपनिंग का प्रॉपर वीडियो हो। तो अगर आपको बल्क में ऑर्डर लेना है तो आप इजीली बल्क में भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो और अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट को इनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और ये आपके ऑर्डर्स को आपके बदले डायरेक्टली डिलीवर कर देंगे आपके कस्टमर को। देखिए कुछ इस तरीके का इनका व्हाट्सएप ग्रुप है जहां ये डेली बेसिस पे अपडेट देते हैं, कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स के अपडेट आते रहते हैं इनके व्हाट्सएप पे। इनका व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, इनका व्हाट्सएप नंबर है 9461324326। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9461324326। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको बताना मत भूलना कि आपने इनका नंबर सोशल सेलर एकेडमी से लिया है और आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि वो आपके नंबर को सेव करके प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पाए और आपको अपने ग्रुप में और आपको प्रॉपर वेरीफाई कर पाए। अब एक बार जुड़ने के बाद आपका प्रोसेस एकदम सिंपल है, आपको एक बार जब वो वेरीफाई करके ऐड करेंगे तो आपको एक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलेंगे। आप यहाँ पे पर्सनली इनको डिटेल शेयर कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ऑर्डर करने के लिए आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस मार्केट के भी बारे में बता दिया, कैसे चालू करना है वो भी बता दिया, कौन से होलसेलर के साथ चालू करना है ये भी बता दिया, और अब आखिरी भी चीज़ बता देता हूँ कि कैसे इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। अगर आप वुमेन्स वेयर का बिजनेस चालू कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करो। शायद मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग करने के लिए। अब इंस्टाग्राम के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबसे ज्यादा चलती है और आजकल ना लोग ना एड्स से भी ज्यादा बिलीव करते हैं किसी इन्फ्लुएंसर पे। अगर आपका प्रोडक्ट कोई अच्छी इन्फ्लुएंसर पहनी है और पहन के डाल रही है तो यार ये बेस्ट तरीका है अपनी खुद की प्रमोशन करने का। इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करो, उनके साथ कोलैबोरेट करो, उनको बोलो, उनको हो सकता है कुछ फ्री में देना पड़े तो दे दो। अब होता क्या है कि एक इन्फ्लुएंसर अगर आपकी रील डाल रही है, अगर वो रील वायरल हो जाती है, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में ही हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंसर ने आपकी प्रोडक्ट की रील डाली हो वो वायरल हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने कम से कम 8-10 अलग अलग कैंपेन किए, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के साथ किए, एक इन्फ्लुएंसर की रील 100% वायरल जाएगी। और जब उसकी रील वायरल जाती है तो आपको आते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स। जब भी आप रील बनवा रहे हो किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ, याद रखिए उस पूरी रील पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है और लिखना भी है टू बाय कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप और अपना नंबर। अक्सर हमने देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स ना नॉर्मल वीडियो डाल देते हैं पहन के कपड़ा, लेकिन कोई भी कनेक्ट नहीं होता आपसे, आपकी सेल ही नहीं होती क्योंकि कहीं पे व्हाट्सएप नंबर नहीं है, और होती भी है तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे पे होती है जो अक्सर लोगों को दिखती नहीं है। नहीं, वीडियो में अपना नंबर डालो ताकि जितने भी लोग हैं वो आपसे व्हाट्सएप से कनेक्ट होए और व्हाट्सएप से इवेंचुअली आपकी सेल्स टीम है वो उनको बताएगी, अपना PDF देगी, वेबसाइट दिखाएगी और वहाँ से वो कस्टमर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसी मार्केटिंग को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आपको क्या करना है कि वही जो रील है उसी को ही आप फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करो इंस्टाग्राम पे। तो ये भी बहुत आसान हो जाता है। हमारा प्रॉपर एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का जिसमें हमने सिखाया हुआ है कि कैसे इंस्टाग्राम एड्स लगाते हैं, किस तरीके से फेसबुक एड्स लगाते हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि हम एज अ कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करें, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैंने बता चुका है वेबसाइट से रेपुटेशन भी बनती है, और हमेशा हो नहीं सकता कि आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहे, किसी को तुरंत खरीदना है तो वो सीधा आपकी वेबसाइट पे जाके खरीद सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ। भले कई बार ऐसा होता है कि रीसेलिंग करते करते बहुत दिक्कत होती है वेबसाइट मैनेज करने में, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है कभी नहीं है। वेबसाइट बनाने के बाद आप अपने प्रोडक्ट अपने पास ही रखो, आपको जो भी प्रोडक्ट समझ आता है कि जो बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं मार्केट में उसको अपने पास रखो, अपनी फोटोग्राफी करो, अपनी ब्रांड मैनेज करो, और धीरे धीरे ना अपने बिजनेस को आप ग्रो होते हुए देखेंगे 100%। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो जेन्युइनली वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। हमारी कोई भी सर्विस चाहिए तो भाई कांटेक्ट करो हमको, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस को डेवलप करने में। और हाँ, इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।